हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो एक ऐसे एनिमल के बारे में होगी जो बहुत ही क्लेवर होता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम आपको फॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लोमड़ी के चर्चे तो आप सब बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे होंगे। कई स्टोरीज भी आपने पढ़ी लिखी सुनी और सुनाई भी होंगी जिसमें उसकी चालाकी के बारे में बताया गया है, जैसे क्लेवर फॉक्स, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द फॉक्स एंड द क्रो, ऐसी बहुत सी कहानियाँ। पर आज हम आपको उसकी कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि लोमड़ी से जुड़े रोचक और दिलचस्प तथ्यों से अवगत कराएंगे। लोमड़ी एक चालाक जीव की श्रेणी का जानवर माना जाता है और ये देखने में कुत्ते की तरह नजर आती है। लोमड़ी सर्वहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जानवर है और ये जंगलों में रहता है। आमतौर पर यह जीव जंगलों के पास आसपास के बसे गांव में शिकार करने के लिए आ जाता है और गांव वासियों की पालतू भेड़ बकरियों का शिकार भी कर लेता है। लोमड़ियों में 40 अलग अलग तरह की आवाज निकालने की कला होती है, लेकिन उनमें से हुआ हुआ करके चिल्लाना सबसे सामान्य है। दुनिया भर में लोमड़ियों की 280 प्रजातियां पाई जाती हैं और हर एक प्रजाति में हर रंग की लोमड़ियां मुमकिन हैं। फिर भी लाल रंग की लोमड़ी सबसे सामान्य है। लोमड़ी ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी अमेरिका के देशों में पाई जाती है। ग्रे लोमड़ी बहुत हद तक बिल्ली की तरह दिखती है, जबकि लाल लोमड़ी कुत्ते की तरह। नर लोमड़ी को वैज्ञानिक भाषा में डॉग कहा जाता है और मादा लोमड़ी को विक्सन कहा जाता है। आज हम आपको लोमड़ी से जुड़ी वे सभी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले शायद ही कहीं पढ़ी या जानी होंगी। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, लोमड़ी सर्वहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जीव है, जिसके तहत ये जीव भूख मिटाने के लिए शाकाहारी भोजन से लेकर मांसाहारी भोजन तक खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, लोमड़ी एक माहिर शिकारी होती है और ये जीव दिन की बजाय रात में अधिक शिकार करते हैं, क्योंकि लोमड़ी की देखने की क्षमता दिन की बजाय रात में अधिक होती है। फैक्ट नंबर 3, विश्व में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लोमड़ी की प्रजाति रेड फॉक्स है और इस लोमड़ी का वजन लगभग 14 किलो होता है। विश्व में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली लोमड़ी की प्रजाति सिल्वर फॉक्स है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं लोमड़ी भूमि के अलावा पेड़ों पर भी शिकार कर सकती है, क्योंकि ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होती है। फैक्ट नंबर 5, मांसाहारी भोजन में लोमड़ी मुर्गा, मछली, खरगोश और मोर का शिकार सर्वाधिक करती है। फैक्ट नंबर 6, एक स्वस्थ लोमड़ी का जीवन काल लगभग 15 वर्षों का होता है। फैक्ट नंबर 7, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लोमड़ी अपनी मांद बनाने की बजाय दूसरे जीवों की मांद पर कब्जा कर उन्हें ही अपना घर बना लेती है। फैक्ट नंबर 8, लोमड़ी की नाक नुकीली और पूंछ झबरी और आंखें बड़ी तेज होती हैं। फैक्ट नंबर 9, लोमड़ी तेजी से दौड़ लगाने में माहिर होती है और ये 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। फैक्ट नंबर 10, एक मादा लोमड़ी एक समय में 2 से 5 बच्चे को जन्म दे सकती है। फैक्ट नंबर 11, फेनेक नाम की लोमड़ी संसार की सबसे छोटी लोमड़ी है, जिसका वजन केवल 1 से लेकर 1.6 किलोग्राम तक होता है और इसके कान 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फैक्ट नंबर 12, फेनेक लोमड़ी रेगिस्तान के इलाकों में रहने वाली लोमड़ी है जो ज्यादातर रेतीले इलाकों में रहती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं लोमड़ी 28 अलग अलग प्रकार की आवाज निकाल सकती है। फैक्ट नंबर 14, ज्यादातर प्रजाति की लोमड़ियाँ अकेले रहने वाली होती हैं। वे अकेले ही शिकार करती हैं और अकेले ही सोती हैं, लेकिन जब उन्हें अपने बच्चों को पालना होता है तब वे एक परिवार में भूमिगत गुफाओं में रहती हैं। फैक्ट नंबर 15, लोमड़ी की मूंछें उसके चेहरे के अलावा उसके पैर पर भी होती हैं, जो उन्हें अंधेरे में चलने में बहुत मदद करती हैं। अंधेरे में चलते समय इन्हीं बालों के संपर्क से उन्हें ये पता चलता है कि वे किस जगह को पार कर रही हैं। फैक्ट नंबर 16, लोमड़ी बर्फ में चूहे पकड़ने के लिए 3 फीट हवा में जंप मारने के लिए बाद बर्फ के अंदर 3 फीट तक गोता मार सकती है। जब लोमड़ी हवा में ही रहती है तो पहले से ही वह चूहे के स्पीड और रास्ते के बारे में स्टिक जानकारी पता कर लेती है और बर्फ में कूद कर चूहे को पकड़ लेती है। फैक्ट नंबर 17, पैर के बालों के अलावा शिकार पकड़ने के लिए लोमड़ी धरती का चुंबकीय क्षेत्र इस्तेमाल करती है। लोमड़ी अपने शिकार पर झपट्टा मारकर उसका शिकार करती है। वे स्थिर रहकर किसी भी दिशा में कूद सकती है, लेकिन ज्यादातर वे उत्तर पूर्व की तरफ कूद कर झपट्टा मारती है। फैक्ट नंबर 18, लोमड़ी साल में एक बार गर्भ धारण करती है और अपनी गुफा में ही बच्चों को जन्म देती है। बच्चे जन्म से ही अंधे होते हैं, जो कुछ दिन बाद अपनी आंखें खोलते हैं। जन्म से 7 महीने तक बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते।
माँ अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फैक्ट नंबर 19, लोमड़ी की सुनने की क्षमता बहुत बेहतरीन होती है। वे 120 फीट की दूरी से एक घड़ी के टिक टिक करने की आवाज को भी सुन सकती हैं। फैक्ट नंबर 20, लोमड़ियों की अधिकतर प्रजातियां दोस्ताना व्यवहार की समझी जाती हैं। वे आपस में हमेशा दोस्ताना और खेलपूर्ण माहौल बनाकर रखती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंसानों के साथ भी लोमड़ियां खेलते हुए देखी गई हैं, जिससे उनकी इंसानों के साथ अच्छी सी बॉन्डिंग पता चलती है। तो आज की वीडियो में आपने चालाक लोमड़ी से जुड़े हुए 20 सीक्रेट्स एंड फैक्ट्स जाने हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।